अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहाना शाहिन परवीन है। मेरे हस्बैंड का नाम सैयद जलील पाशा है। उनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने की वजह से हॉस्पिटल को ले गए तो स्टेंट डाले। बाद में 8 दिन डिस्चार्ज होने के बाद फिर उनको चक्कर आए तो हॉस्पिटल को लाए। घर से हॉस्पिटल को लाने के बाद ब्रेन स्लोक हुआ, बोल को खून दिमाग में खून का गड्ढा जमिया, बोल को ब्रेन की सर्जरी करना बोले। ब्रेन की सर्जरी होने के बाद में फिर खून पानी ब्रेन से पानी जा रहा, उनको फिर एक सर्जरी करे। 2 सर्जरियां हो जाने के बाद उन्होंने कोमा में चले गए। पूरे हॉस्पिटल हम फिराए उनको, निम्स उस्मानिया कहाँ कहाँ फिराए तो भी उनको इलाज नहीं हुआ। कोमा में थे उनको। एक उसके बाद में ग्लेन फेंड मल्ला रेड्डी हॉस्पिटल को लेके आने के बाद में वहाँ फिर एक सर्जरी हुई। सर्जरी वो सक्सेस हुई। सक्सेस होने के बाद जलील किरमानी साहब 3 महीने 6 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ता, 10-15 लाख का खर्चा होता बोले। उन्होंने एक 10 दिन का खर्चा उठा ले रहे हैं। अब पर हमारे को दवाया के पैसे होना है। मेरे कोई भी ये वीडियो देखते सुनो मदद करो। मैं नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, हैदराबाद को आई हूँ, अमजदुल्ला साहब के पास आई हूँ मदद के वास्ते। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं मेरी मदद करो।